नमस्कार, मैं उदयशंकर, न्यूज बायस्कोप में आप सबों का स्वागत है। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर अभिषेक कुमार सिंह हैं, जो चतरा लोकसभा के लिए नामांकन कर चुके हैं। डॉक्टर अभिषेक, हमने देखा कि आपने रोड शो किया और अभी भी तमाम लोग समर्थन में लोग आपके आए हुए हैं, क्या वजह है इसके पीछे? इस पूरे ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति जो है वो है इमोशन, और अगर लोग आपसे जुड़ जाएं, एक्चुअली कोई अपने माता जो है अपने पुत्र का लालन पालन इसलिए प्रेम से नहीं करती कि उसको ये उम्मीद होता है कि ये मुझे पैसा देगा, इसलिए लालन पालन करती है कि उसके साथ उसका इमोशन जुड़ा हुआ होता है। तो यहाँ जो भी लोग दिखाई दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं इमोशनली हमसे जुड़े हुए हैं, उनको मैं अपने विचार से, अपने सेवा से, अपने भाव से मैं कहीं ना कहीं लोगों को अपना बनाने में सफल हुआ हूँ। नहीं तो सारे लोगों को अपना अपना जीवन का काम है, बहुत सारे महत्वपूर्ण काम आज भी होंगे जो सब छोड़ के आज हमारे बीच में आए हैं, और लोगों को ये भी लग रहा है कि हमारी समाज जो है एक कमजोर नेतृत्वकर्ता के चलते कहीं ना कहीं लड़खड़ा रही है, तो इस समस्या का अंत अब होना चाहिए। और उस अंत का जो कारण डॉक्टर अभिषेक के अंदर लोगों को दिखाई दे रहा है, इसलिए इतना बड़ा जन समर्थन और लोगों का भाव और विश्वास हमारे साथ जुड़ा हुआ है, और लोग बहुत जोश के साथ हमारे साथ हैं, और यही हमारी भविष्य में जीत की सबसे बड़ी गारंटी होगी। आप राजनीति में नए हैं और चतरा को इसलिए भी जाना जाता रहा है कि यहाँ पहली बार कोई स्थानीय प्रत्याशी चुनाव मैदान में है, और आप कह भी रहे हैं कि आप चतरा लोकसभा से ही बिलोंग करते हैं। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि अपाहिज टाइप के जो नेता हैं, ना जो बोल सकते हैं, ना कर सकते हैं, ना सोच सकते हैं, ना उनके पास कोई दूरदर्शिता है, ना कोई विजन है, कोई ना कोई बैसाखी वो पकड़ेंगे। चार पत्रकार को पकड़िए और उनको थोड़ा थोड़ा आप बोलिए कि भैया हम तुमको कुछ दे लेंगे, तुम एक काम करो इस मुद्दा को मुद्दा बना दो। अब वो 10 दिन लगातार छाप दिए तो वही मुद्दा बन जाएगा, सारा मुद्दा भूल के लोग की भाई और ये भी महत्वपूर्ण है कि जो चतरा में ये कार्य होना चाहिए वो सारा छोड़ छाड़ के, ये पता नहीं कि बेचारा जो स्थानीय धरती पुत्र है ये जीत के क्या करेगा, उनको उसके बारे में कोई मतलब भविष्य में पता नहीं है, लेकिन वो उसके पीछे पड़ गए और उनको ये बता दिया कि ये बाहर वाला है ना जो अभी सांसद बना है उसी के चलते आपका काम। मैं बोल रहा हूँ कि जो जितने विधायक हैं वो लोकल है ना, वो लोगों का टाइम क्यों खराब कर रहे हैं? जितने मान लीजिए आप देखिए कि साउथ के स्टेट हैं, कहीं बीजेपी का शासन है और वो बेहतर तरीके से वहां के लोग नागरिक जीवन जी रहे हैं और ज्यादा विकसित हैं, तो वहां बीजेपी का शासन तो नहीं है। तो किसने बोला कि सांसद के चलते आपका जीवन का बंटाधार हुआ है? विधायक आपके जीवन का बंटाधार नहीं किए हुए हैं, बहुत सारे तो मंत्री भी हैं यहाँ के। तो ये यहाँ के लोगों का सरलता और उनके असजगता का फायदा उठा के अपने नेतागिरी को चमकाने के लिए एक नया मुद्दा लेते हैं। अब दूसरी बात है कि ठीक है मैं अभी पलामकर रहने वाला हूं, लेकिन इस रहस्य को समझना जरूरी है कि इसके पीछे एजेंडा क्या है। तो मोदी जी को भगाइए, आप बनारस में क्यों उनको बैठा के रखे हैं? आप ये मुझे बताइए कि फिर योगी जी को क्यों यूपी का सीएम बना के रखे, उनको वहां भेजिए उत्तराखंड में। अब ममता बनर्जी को तो उधर ही रहना चाहिए था, वेस्ट बंगाल से हटके बांग्लादेश में। केजरीवाल जी को तो बेचारे को दिल्ली का सीएम बनना ही नहीं चाहिए, तो अपने नया संविधान बना दिया क्या? अभी देश में एक तरफ राम जी की लहर है, कहते हैं मंदिर का मुद्दा है, दूसरी तरफ इलेक्ट्रोल बॉन्ड को कांग्रेस लगातार आवाज उठा रही है, तो आप इन मुद्दों के बीच में खुद को कहां देख रहे हैं, क्या मुद्दे हैं आपके? सबसे बड़ी चीज है कि हमारे राजनीति में यही सबसे बड़ा समस्या है कि जितने नॉन प्रोडक्टिव मुद्दा है वो मुद्दा बन जाता है, और जो रियली मुद्दा होना चाहिए उसकी कोई चर्चा ही नहीं है। ये लोगों में बेसिकली बटे हुए हैं, वो पार्टी के आधार पर बटे हुए हैं, कितने जाति के आधार पर बटे हुए हैं, कितने धर्म के आधार पर बटे हुए हैं, और डिवाइड एंड रूल वाला पॉलिसी जो अंग्रेज शुरू किए थे अभी तक चला रहा है, काले अंग्रेज भी वही कार्य कर रहे हैं जो गोरे अंग्रेज किए थे। तो ये मेन मुद्दा ये नहीं है कि ठीक है राम मंदिर बना, ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है, बन गया अच्छी बात है, बगल में मस्जिद भी बन जाएगा वो भी अच्छी बात है, स्कूल कब बनेगा कि जहां बच्चे पढ़ के मजबूत बनेंगे, कहाँ यूनिवर्सिटी कब बनेगा, हॉस्पिटल कब बनेगा, कोई आपके यहाँ एक्सीडेंट होता है तो जाके मंदिर में उसको इलाज कराते हैं कि मंदिर में घुसा दो फिर बाहर एकदम हेल्दी होकर निकल जाएगा? कोई बेटा आपका नहीं पढ़ा हुआ अशिक्षित है तो मंदिर में घुसा के फिर उसको बाहर निकाल के उसको शिक्षित बना लीजिए। पूरे भारतवर्ष में मंदिर की कमी है, जहाँ जहाँ भगवान के बारे में, जहाँ मंदिर के बारे में लोगों को कम जानकारी है, वो भारतवर्ष से बेहतर जीवन जी रहे कि नहीं? ये कहीं ना कहीं हम अपने
कर्म को, अपने सक्षमता को और कैसे व्यक्ति और व्यक्तित्व के निर्माण पर कार्य करें, वो सब सारा छोड़ के बिना कोई काम किए हुए इस लोकतंत्र में राजतंत्र को आनंद लेने के लिए नेता और पार्टी का एक से एक रवैया होता है। दूसरा चीज है, उनको हमेशा उलझा के रखते हैं, क्योंकि वहां जो बैठा हुआ कमजोर आदमी ज्यादा कुछ कर नहीं सकता है, लेकिन वो धूर्तता के महाविद्यालय का स्टूडेंट है। उलझा के रखो, करना नहीं है तो मुद्दा राम मंदिर का हो जाएगा, मुद्दा जो हो जाएगा इलेक्ट्रल बॉन्ड का हो जाएगा। कुछ कर पा रहे हैं क्या? अभी जो शासन पे दूसरे को जेल में डाल रहा है, जो दूसरा शासन में आएगा इसको डालेगा। तो यही आप लोग अभी लग रहा है पॉलिटिकल जैसे सर्कस नहीं होता है, या आपको मूवी देखने की जरूरत नहीं है? अभी नेता लोगों का रोज का करतूत देखते रहिए, लगेगा कि इंटरटेनमेंट चल रहा है। ये सब कहानी बंद होना चाहिए। तो आपके लिए प्रायोरिटी क्या होगी चतरा के लिए, एक लास्ट सवाल? हमारे लिए प्रायोरिटी होना चाहिए यहाँ के लोगों का जीवन मजबूत होना चाहिए। यहाँ के बच्चे अगर जो भी जहाँ पैदा हुआ शिक्षित हो, वो संस्कारी हो, विचारवान हो, स्वस्थ हो, यहाँ के जंगल मजबूत हो, यहाँ के नदी में फिर से पानी आए, यहाँ के पहाड़ का दोहन न हो, और यहाँ के लोगों में ये संस्कार और विचार आए कि हमें कुछ लोगों को देना है और अपने चतरा के लिए काम करना है, नेता का गुलामी नहीं करना है, पार्टी का गुलामी नहीं करना है, अपने जाति के आधार पर हमें नहीं गोलबंद होना है, धर्म के आधार पर गोलबंद नहीं होना है। आप जीवन के समस्या को, चुनौती को समझिए, भविष्य में बहुत सारी ऐसी चुनौती आएगी जो जीवन को लड़खड़ा देगा। अभी मैं आपको बता रहा हूँ जो स्टडी आया WHO का, जिसमें देखा गया भारत विश्व का सबसे उदास देश है, 2050 तक हर एक दूसरे भारतीय को कैंसर होगा। तो ये मंदिर बनाने से काम केवल चलेगा क्या? प्रेरणा लेना होगा, पूजा कीजिए, ईश्वर से प्रेरणा लीजिए, नमाज पढ़िए, ईश्वर से प्रेरणा लीजिए कि हम क्या कर सकते हैं, मेरा दायित्व तो क्या हो सकता है। मैं तो महादेव का बहुत बड़ा भक्त हूं, लेकिन मैं महादेव का भक्त केवल प्रेरणा लेने तक हूं। अब ये नहीं कि हम उनका नाम बेचना शुरू कर देंगे, हमें वो सक्षमता दे दिए, अब मैं उस शक्ति का प्रदर्शन करके बिना बैसाखी यूज करके सांसद बनेंगे। हमें किसी बैसाखी की जरूरत नहीं चाहिए, ना मुझे कुछ जाति का बैसाखी चाहिए, ना धर्म का बैसाखी चाहिए, ना मुझे भगवान का बैसाखी का हमें कोई जरूरत है। मैं अपने कर्म पे सांसद बनना चाहता हूं और दूसरे को भी कर्मयोगी बनने का प्रेरणा दूंगा। और मुझे देख के बहुत सारे लोग बोलेंगे, अच्छा ये नेता का बैंड बजाया जा सकता है, ये पार्टी को हराया जा सकता है, बहुत सारे डॉक्टर अभिषेक खड़ा हो जाएंगे। इसलिए मैं केवल सांसद नहीं बनूंगा, बहुत सारे पढ़े लिखे सजग और मजबूत लोगों को प्रेरित करूंगा कि आप भी ये नालायक नेता के जो खात्मा का कारण बन सकते हैं, जैसे डॉक्टर अभिषेक बने। झारखंड में बहुत सारे निर्दलीय यहाँ की जनता ने देखा है, और निर्दलीय अक्सर सत्ता पक्ष के साथ चले जाते हैं। आप लोगों को क्या कहेंगे? कल लोगों को ये लगेगा कि डॉक्टर अभिषेक जीत गया तो मोदी जी के साथ चले जाएंगे? मैं जीतते ही एक नया पार्टी का निर्माण करूंगा जिसका नाम भारतीय आध्यात्मिक पार्टी होगा। दूसरा, हमारा पार्टी में कोई ST मोर्चा, SC मोर्चा, OBC मोर्चा, अल्पसंख्यक मोर्चा नहीं होगा। मोर्चा स्वास्थ्य, शिक्षा, आध्यात्मिक विकास, सेवा, औद्योगिक क्रांति, नारी उत्थान, युवा उत्थान, पर्यावरण, खेलकूद और कृषि होगा। और मैं प्रतिज्ञाबद्ध भी होगा कि आपके क्षेत्र से 5 रुपये भी अनैतिक तरीके से प्राप्त किए तो अपना चेहरा दिखाने आएंगे। ओपन चैलेंज की डॉक्टर अभिषेक में गलती ढूंढी है। और साथ ही साथ इसी नवंबर में हम लोग पूरे झारखंड में अपना कैंडिडेट खड़ा करेंगे। रहा बात सेंटर में समर्थन का, जिसकी भी सरकार बनेगी मैं उसको समर्थन देने के लिए तैयार हूं, शर्त लेकिन एक रहेगा, फ्री में नहीं मिलेगा, कि आपको चतरा के लिए मेडिकल कॉलेज देना होगा, लातेहार के लिए इंजीनियरिंग कॉलेज देना होगा, पांकी के लिए ट्रॉमा सेंटर देना होगा, सिंचाई की व्यवस्था बेहतर करना होगा, रोड बनाना होगा। आप ये सारा काम कीजिए, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ, ये नहीं कि रूम में बैठ के डील नहीं होगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये बात हुई है और इतना समय में होगा, है ना? और उसका काम जल्दी से जल्दी शुरू होना चाहिए। एक एक सीट के चलते अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार गिर गई थी, तो इस बार कोई एग्रीमेंट थोड़ी करके रखा कि मोदी जी को 272 आ ही जाएगा। हवा हवाई आप कर रहे हैं, 230 पर भी अटक सकते हैं, 250 में भी अटक सकते हैं। अगर बीजेपी के सांसद अगर यहां सांसद बना तो मोदी जी उसको इतना भी वैल्यू देंगे, बोलेंगे जाके साइड में खड़ा हो जाओ। डॉक्टर अभिषेक निर्दलीय अगर चुनाव लड़के जीत के जाएंगे तो मोदी जी स्पेशली मिलने आ जाएंगे कि 272 पूरा करना है। मोदी जी को 272 पूरा करना है और मुझे चतरा संसदीय क्षेत्र को चमकाना है, क्योंकि यही तो मुझे डॉक्टर से लीडर बनाया है और यहीं से मेरी ब्रांड वैल्यू बनेगी। और मुझे कौन सा सांसद बन के केवल यहाँ रुके रहना है, मुझे झारखंड का CM बनना है, मैं उसकी तैयारी मुझे करनी है, मुझे उसकी तैयारी करनी है। तो वो चतरा का आज तक फायदा लिए, मैं उनका फायदा लूंगा। फायदा कौन कितना बेहतर दूसरे का ले सकता है जिसके पास ज्यादा बुद्धि होगा?
वो हवाई जहाज से ऐसे ऐसे हाथ हिलाएंगे, मैं जहां जाऊंगा दो दवा दूंगा, आपका रात का नींद बढ़िया हो जाएगा, सरदर्द ठीक हो जाएगा, बेचैनी ठीक हो जाएगा, पांच लोगों का ऑपरेशन कर दूंगा, दिखाई देने लगा, डॉक्टर अभिषेक का इंतजार होते रहेगा कि कब आएंगे, फिर से सरदर्द हो रहा है। तो डॉक्टर अभिषेक है, मोदी जी को 45 साल लगा, वो एक संगठन के चलते हैं, मैंने तो संगठन पैदा कर दिया, बस चतरा का सीट निकलने दीजिए, इसके बाद देखिए कि कौन कहाँ पे है। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे डॉक्टर अभिषेक, इनका कहना है कि लोग अक्सर चुनाव जीतते हैं तो 5 साल आराम की नींद सोते हैं, लेकिन इनका कहना है कि जैसे ही ये चुनाव जीतेंगे नई चुनौतियां शुरू होंगी और ये उन सब का सामना करते हुए एक नई पार्टी का गठन करेंगे। कैमरामैन नूतन के साथ उदय शंकर, न्यूज बाइस्कोप, चतरा। कमाल करते हो जी, बच्चे घूमने की इतनी जिद कर रहे हैं और तुम हो कि तुम्हें फुर्सत ही नहीं मिल रही। अब इतनी गर्मी में जाए तो जाए कहाँ, इस गर्मी में मस्ती और फन का आ गया है परफेक्ट डेस्टिनेशन वाइल्ड वादी, जहाँ है वाटर पार्क, बर्ड पार्क, फ्लावर पार्क, ट्रैम्पलिन पार्क, अम्यूजमेंट पार्क, 250 फीट लंबा जिप लाइन और क्रिकेट स्टिमुलेशन का खूबसूरत नजारा। वाइल्ड वादी 10 माइल चौक रांची, वाइल्ड वादी यानी अनलिमिटेड फन और अनलिमिटेड मस्ती।